फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुर्गुत और असलिहान को जो जहर दिया गया है उसे बनाने वाले को जानता हूँ मैं। जहर बनाने वाले को तलाश करो और मार दो उसे। मुझे क्यों मारना चाहते हो? ताकि ये राज हमारे सिवा कोई ना जान पाए। भाई इंशाल्लाह इसमें जहर मौजूद होगा और अगर मौजूद हुआ तो जल्द हम तेरी आंख भी बना लेंगे। हर किसी को मेरी इताअत करना होगी और जो ऐसा नहीं करेगा अपनी जान दे के वो इसकी कीमत चुकाएगा, चाहे अर्तुरुल हो या सुल्तान या शाफी। ये पियो मेरे भाई या शाफी। हम अर्तुरुल का भरोसा जीत चुके हैं कोस्तस, अब हम इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुल्तान मुअस्सम, अर्तुरुल, क्या अपने मनसब पर बखैरियत वापस आ चुका है? वो बाहिफाजत वापस पहुंच चुके हैं सुल्तान मुअस्सम और तमाम तुर्क कबाइलों ने अपने दरमियान जिंदा सलामत देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। और तुम, क्या तुम्हें भी खुशी है इसकी? जी बिल्कुल सुल्तान मुअस्सम, अर्तुरुल न सिर्फ सरदार आला हैं बल्कि बहुत काबिल एहतराम बहादुर तुर्क सरदार हैं, मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? तो फिर मेरी तरफ से जो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे पूरा करने में अब तक क्यों नाकाम हो तुम? मैं मंगोलों के साथ नबर्द आजमा था और अय्यूबियों से भी निमट रहा था। आप फतायाब लौटे हैं, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सादातीन, तुमने क्या किया इस पूरे अरसे में? अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दारों को अब तक तलाश नहीं कर सके और उसके बहादुर जंगजुओं की शहादत का बदला नहीं ले सके। रियासत के उमूर की अंजामदही में तुम्हारी यह गैर जिम्मेदारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें हिसाब देना होगा सादातीन। सुल्तान मुअस्सम, जिंदा बचाने वाले सिपाही इस बात के गवाह हैं कि उन पे हमला करने वाले मामूली लुटेरे थे। सादतीन, रियासत के उमूर की अंजामदही और बहुत सी जंगों में तुम्हारी फुतूहात का अगर खुद शाहिद ना होता मैं तो यही तुम्हारी कब्र बना देता। तुम अब भी मुझे किसी नाअहल और गैर जिम्मेदार शख्स की तरह झूठी तसल्लियां दे रहे हो। कौन से लुटेरे सरदारे आला अर्तुरुल पे उस वक्त हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं जब वो जंग के सफर पे हो
तुम क्या कह रहे हो तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? सुल्तान इस नाअहली के बाद भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बाकी है? सुल्तान मौसम, लुटेरों से तफ्तीश की थी मैंने, उनमें से बहुत सों को सजा भी दे दी गई है। अभी भी तुम उसी बात पर अटके हुए हो सादतीन, जो दुश्मन मुझे मारना चाहता है अर्तुरुल पे हमला भी उसी ने किया है। इतनी सी बात तुम्हारी नाकिस अकल में क्यों नहीं आ रही? आखिर कहां चली गई तुम्हारी वो दूरअंदेशी और तुम्हारी दानिशमंदी? क्यों उस शैतान मरदूद को देखने से कासिर हो तुम? ये शुबा भी हुआ था मुझे कि निकिया वालों या सलीबियों का भी हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन सुल्तान मौसम, अगर उन हमलावरों को तुम नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हें अमीर के मनसब पे रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में तुम जिम्मेदार थे। क्या किया तुमने फिर? कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सके। अगर आप ऐसा ही समझते हैं सुल्तान मौसम कि इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं हूं मैं, तो ये सर हाजिर है मेरा, आप पर कुर्बान है, इबरत का निशान बना दे मुझे, ताकि आपका जाहो जलाल दुश्मनों के लिए हमेशा अलामत बना रहे खौफ की, और मेरी लाश भी परिंदों के लिए खुराक बना दीजिएगा। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुरुल? जो भी चाहते हो कर गुजरो। पहले तुम एतराफ करोगे, ये मकरूह फेल अंजाम देने का एतराफ करना होगा तुम्हें। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहर अस्मा को देने वाला तुम्हारा सिपाही था, फिर भी तुम नहीं मान रहे। अपने बहादुर होने का सबूत दो, बुजदिलों की तरह इनकार करने के बजाय एतराफ करो। एतराफ करने की कोई वजह नहीं, ये इल्जाम मुझ पर लगाकर नाइंसाफी कर रहे हो तुम, मगर तुम्हारे जुल्म का हिसाब बहुत करीब है। अगर मैंने इंसाफ कायम रखने को अपना शियार ना बनाया होता तो तुम्हारा ये सर मैं बहुत पहले ही तन से जुदा कर चुका होता। मुझे और रियासत को तुमने हमारे दुश्मनों और तुर्क कबाइल के आगे कमजोर कर दिया है। आप सिर्फ मुझे 3 माह की मोहलत देते सुल्तान मौसम, उनसे मैदानों को ढूंढ कर मैं उनके सर बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। न सिर्फ उनके सर बल्कि महल में मौजूद हर गद्दार का सर कुचल दूंगा मैं। अगर मैं नाकाम रहा तो हर सजा कबूल होगी मुझे। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी साजिशें महल के अंदर से की जा रही हैं?
अगर हकीकत बरक्स निकली और ये हमले लुटेरों के बजाय उन ताकतों ने करवाए हैं, तो यकीनन महल में भी उनके जासूस मौजूद हैं। तुम्हें मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं सादतीन, याद रखना, अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अमीर सादतीन के उठाए गए हर कदम की खबर चाहिए मुझे, मुझे उसकी पूरी मालूमात चाहिए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मोहसिन। अमीर हजरत, जासूस ये मकतूब लेकर आया है। सिपाहियों को वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गया। मेरा ख्याल है कि वो दरियाक हासिल करने के बाद चावदार कबीले की तरफ गया है। आप ठीक तो हैं अमीर हजरत? शिफा नसीब हो आपको। शुक्रिया। तुर्कुत, तुर्कुत भाई, शुक्र है। तुर्कुत मेरा बेटा, अस्लान दुर्ग, शुक्र अल्लाह का। या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे। भाई कहाँ है? यही है अर्थरल, तुम आराम करो, वो आ जाएगा। भाई कहाँ है? अर्थरल साहब औताक में ही मौजूद हैं, बहादुर साहब से सवालात कर रहे हैं। अभी तो होश आया बेटा, लेटे रहो। तुर्कुत कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे तुर्कुत भाई? उसकी जान लेने, जिसने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी। बेटा रुक जाओ तुर्कुत, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ तुर्कुत, रुक जाओ।
मेरा भाई ठीक हो गया। तुरगुत मेरे भाई, तुरगुत, तुरगुत मेरा भाई, शुक्र है अल्लाह का, मेरा बहादुर शिफायाब हो गया। सब इसी ने किया है, सब इसी का किया धरा है। यही जालिम है, यही है। फिक्र मत करो मेरे भाई, सजा मिलेगी इसे। भाई इजाजत दे मुझे इसे दुनिया के लिए इबरत बनाकर इसका सर और ताक के सामने लटकाऊंगा मैं। भाई हमारी जान लेने की कोशिश की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, मगर ये जान लो अच्छी तरह, मौत से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, समझे? इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता मैं। बहुत हो गया, क्या हुआ अर्थ भाई? भाई रुक जाइए, असलिहान खातून और तुरगुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? जब मैं उस गार में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो सुल्तान को दिया जाने वाला जहर भी वहीं से मिला। क्या आपको यकीन है? जी पूरा यकीन है भाई। सुल्तान को दिए जाने वाले जहर में जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई वो मुझे उसी गार में से मिली है भाई। मुझे यकीन है, पूरी तहकीक कर ली है मैंने। सुल्तान को जहर दिए जाने के वक्त बहादुर यहां नहीं था भाई। सुल्तान को जिस शख्स ने भी जहर दिया, तुरगुत और असलिहान खातून को जहर देने वाला भी वही है। जिस शख्स ने भी ये किया है वो अस्मा और बहादुर के सिपाही को अपना अलाइकार बनाकर इसे कातिल ठहराना चाहता है। ये सब करने वाला एक ही शख्स हो सकता है। अमीर सादुद्दीन, भाई तुरगुत रुक जाओ। तुम्हें जहर देने वाला बहादुर नहीं है। बहादुर साहब को जाने दो, सिपाही भी रिहा कर दो। तुमने बेइज्जत किया मुझे, रुस्वा किया, अब तुम मेरी ये इज्जत किस तरह वापस लौटाओगे? हाँ, ये सब तुम्हारी फैलाई हुई बदमनी और फितनों का बदला है बहादुर। आज के बाद ये सर सही तरह इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारा ये सर तुम्हारे कांधों पर मौजूद रह सके। हिसाब बराबर हो गया।
इस मसले को हम बाद में देख लेंगे तुर्कुत। फिलहाल तुम्हें बहादुर से मोहतात रहना होगा। सबसे पहले वो तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। जैसा आपका हुक्म भाई। ताजिर निको इतने सारे सिपाहियों के साथ क्यों है? हैरिस ने यकीनन बादशाह से इजाफे कुमक मंगवाई है। बहुत बड़ा बाजंतीनी लश्कर तैयार किया जा रहा है। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो किले की फतह में रुकावट बन सकते हैं ये। अब्दुल रहमान जल्दी से जाओ, अर्तुरुल साहब को सूरत हाल बताओ। अब क्या करेंगे? मैं इन लोगों के दरमियान जाने की कोशिश करूंगा और ताजे निको से जो मालूमात मिलेगी वो हासिल करूंगा। अल्लाह आपका मददगार हो भाई। तवील सफर किया है इन्होंने, हथियार भी मौजूद है इनके सामान में। रात में सफर नहीं कर पाएंगे ये, जल्द ही इन्हें कहीं पड़ाव डालना पड़ेगा। अब्दुल रहमान कल तक पूरी करनी है ये कार्रवाई, जल्दी जाओ। ठीक है भाई। इंशाअल्लाह ये मरहम जहर से बनने वाले जख्मों को भरने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। शुक्र है परवरदिगार का, उस जहर का असर तुम लोगों के जिस्म से जायल हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बख्श कर तुम्हें दोबारा एक दूसरे का साथ नसीब फरमाया। शुक्रिया इमाम खानम। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। लेकिन ये किया किसने? इस तरह हमारे दरमियान घुसने की जुर्रत किसने की? हमारे खैमे में हमें जहर दे दिया। तुर्कुत मेरे भाई, फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जल्द होगा। अल्पामिश बहादुर का सिपाही था। अगर जहर पहुंचाने वाला वही शख्स था तो बहादुर को क्यों जाने दिया अर्तुरुल साहब? बाजराज वजन में पहाड़ों से ज्यादा भारी होते हैं। वक्त से पहले उन्हें बताना सब कुछ तबाह कर देता है। अस्मा और अल्पामिश को मारकर वो चाहता था कि कोई सबूत बाकी न रहे, मगर फिक्र मत करो, जहर देने वाले और इसका हुक्म देने वाले दोनों को जरूर सजा मिलेगी, मेरा वादा है। उस वक्त सब जान लेंगे कि वो कौन है। कारा जैसार की फतह का क्या हुआ? उस हवाले से कुछ नहीं बदला तुर्कुत। कबीले वापस पहुंचकर भी हमले की तैयारी जारी रहेगी। तुम यहीं रहो, कबीले के मुअज्जिज़ीन से मिलो और सरदारी के लिए सेहत बहाल करो अपनी। बहादुर बहुत गुस्से में है
होशियार रहना। उसका गुस्सा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात की फिक्र ना करें। ठीक है दुर्गत, ठीक है। अगर वो आपको थोड़ा और नुकसान पहुंचाते तो उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देती मैं। मुझे कबीले में सबके सामने मेरे सिपाहियों तक को रुसवा किया, मैं उसे उसके सिपाहियों को खून में नहला दूंगा। अर्तुरुल को अपने वजूद पर अफसोस होगा। बहादुर सरदार का और उनके सिपाहियों का क्या हाल कर दिया, उनसे इंतकाम लेने तक हम पर हर सांस हराम है साहब। अगर अब उन्होंने उस नामुराद सालार को सरदार बनाने की कोशिश की तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सोच भी कैसे लिया खातून, मैं मरा नहीं हूं जो वो सरदार बनेगा। इस औताक को, कबीले को आग लगा दूंगा मगर उसे सरदार नहीं बनने दूंगा। मेरे सामने जो भी आएगा उस शख्स की लाश गिदों की खुराक बनकर रह जाएगी। तीर कमान से निकल चुका है, बहुत अरसे से गहरे से आबादल हम पर मंडला रहे थे, आज के बाद से तमाम परेशानियां और मुसीबतें उनके औताक में डेरे डालेंगी। संचार के और उसके सिपाहियों के आने के बाद असलिहान खातून औताक में नहीं रहेगी। आज तक आपके शिकंजे से कोई नहीं बच पाया बहादुर साहब। उन सब की मौत मेरे हाथों लिखी है और उस वक्त अपनी और अपने खानदान की जिंदगी की अर्तुरुल भीख मांगेगा मुझसे। एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। आने दो उसे। कौन हो तुम, यहां क्या करने आए हो? ईसा के बहादुर सिपाहियों, खुदावंद तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मैं हानली बाजार का एक ताजिर हूं, नाम है अल्फोंसो। क्या चाहते हो तुम ताजिर? बहुत लुटेरे हैं आसपास, अकेले किले तक जाने में खतरा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे एक रात गुजारने की इजाजत दी जाए कमांडर। तो तुम्हारा नाम अल्फोंसो है, क्या तुम फ्रांसीसी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, मैं जनेवा से हूं। खुश आमदीद ताजिर। शुक्रिया शुक्रिया। अल्फोंसो का घोड़ा ले जाओ। तो तुम हानली बाजार के ताजिर हो, किसके साथ तिजारत करते हो वहां? मेरे ज्यादातर ग्राहक तुर्क हैं, उन्हें जरूरत की हर चीज बेचता हूं मैं। तो तुम्हारे सब ग्राहक तुर्क हैं?
तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। उन फैशियों से बखूबी वाकिफ हूं मैं। तुम्हारी बातें मददगार होंगी मेरे लिए। कमांडर, ये ताजिर किले तक हमारे साथ जाएगा। तलवार ले लो इनकी, सुबह रवानगी के वक्त इन्हें वापस मिल जाएगी। खुदावंद राजी हो। मेरा नाम निको है, ताजिर हूं मैं भी। सुना है अर्थुरुल वापस आ गया है। उसकी वापसी पर हानली बाजार के ताजिरों का क्या रद्द अमल है? अर्थुरुल के आने पर तुर्क ताजिर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन तुम नहीं। सरदार अर्थुरुल का ईसाई ताजिरों के साथ कैसा रवैया है? अर्थुरुल सरदार हर एक को बराबर अहमियत देते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वो एक तुर्क है और मैं नहीं चाहता कि एक तुर्क हमारे फैसले करे। तुम्हारी सारी कमाई तुर्कों से ही होती है, फिर भी इतनी नफरत? मैं सोने के पीछे भागने वाले ताजरों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता। इस सरजमीन से तुर्कों को हम जब तक निकाल नहीं देते, अमनो सुकून कायम नहीं हो सकता इस खित्ते में। तुम अकलमंद और वफादार भी हो, बात करना अच्छा लगा तुमसे, मगर अभी आराम कर लो, फिर बात करेंगे। हमारे जंगजू बहुत लगन से मशकी कर रहे हैं जनाब, हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। यह सब काफी नहीं होगा कोस्तस। तुर्क जंगजू घुड़सवारी करते हुए भी हदफ को निशाना बना लेते हैं। सब शहीद होकर जन्नत में जाना चाहते हैं। वो इतने माहिर हैं कि किले की दीवारें पलक झपकते में पार कर सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले हम, जंग के दौरान सब नाकाफी होगा। नीकिया से आने वाली कुमक हमारी ताकत में इजाफा करेगी जनाब। सही कहा, सिपाहियों के साथ आने वाला ताजर निको, उसके साथ सर जमीन पर होने वाली तमाम तिजारत पर मैं काबिज हो जाऊंगा। वो मेरे लिए किसी लश्कर से कहीं बढ़कर है। क्या अर्थुरुल इसकी इजाजत देगा जनाब? अर्थुरुल के करीबी दोस्त की जिंदगी बचाई है मैंने, एहसान मंद है वो मेरा। तिजारत के फरोग के लिए ऐसी पेशकश करूंगा कि वो इनकार नहीं कर पाएगा। अर्थुरुल सब मुझे कोई खतरा नहीं है। पहले हमारे सिपाहियों का लश्कर पहुंच जाए यहां, उसके बाद हम तिजारत और ताकत दोनों में भारी हो जाएंगे। क्या हुआ बहादुर का, कोई खबर मिली उसकी? अर्थुरुल ने बहादुर को बहुत रुस्वा किया है, वो भी पूरे कबीले के सामने। अब बहादुर अर्थुरुल के खून का प्यासा हो गया है। अच्छा है, बहादुर और अमीर सादुद्दीन साथ नहीं है और अर्थुरुल भी उनका दुश्मन है। वो अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बेताब है। बिल्कुल इसी तरह के हामी की तलाश थी मुझे। अब हमें क्या करना चाहिए जनाब? फौरन बहादुर के पास जाओ, उससे कहना कि मैं ज़ियाफ़त करना चाहता हूं उसकी। देखते हैं वो ये कबूल करता भी है या नहीं। अगर मेरी सोच सही है तो हम मिलकर अर्थुरुल की मौत और जिंदगी दोनों मुश्किल कर देंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुएं के लिए जगह का इंतखाब हो गया है? जी बिल्कुल सरदार, खुदाई शुरू करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। क्या कुआं कबीले के नजदीक ही खोदा जाएगा? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है, गर्मियों में एक कुआं काफी नहीं था,
दूसरा कुआं लोगों की जरूरत को पूरा कर देगा। पत्थरों को अच्छी तरह रखवाएं, जरूरत पड़े तो इसके माहिर की खिदमत लें। जैसा आपका हुक्म सरदार। आर्तुक भाई, क्या हमने हांडी बाजार के पास भी कुएं के लिए कोई जगह देखी है? भाई, मैंने ये काम आपके हुक्म के फौरन बाद ही 3 माहिर लोगों के हवाले कर दिया था। बहुत जल्द वो अपनी अपनी तजावीज हम तक पहुंचा देंगे। ठीक है। सिपाहियों के हालात कैसे हैं बमसी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। मुसलसल तरबियत में मसरूफ है वो। सिपाही किले की फतह का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। आज के बाद से तुर्गुतब चावदार कबीले में ही रहेगा। इंशाअल्लाह चावदार का सरदार बनेगा वो। जंगजुओं की कयादत की जिम्मेदारी तुम संभालोगे बमसी। सिपाह सालार बनाकर तुम्हारी तरक्की कर दी है बमसी। शुक्रिया भाई, बहुत बड़ा एजाज है ये मेरे लिए। जब तक जिंदगी है मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भाई। इंशाल्लाह बमसी, इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आपको देखकर दिल को इत्मीनान हो गया। चावदार कबीले की खातून और उनके शौहर के साथ ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? आप नाम बताएं ताकि उस मलून को अंजाम तक पहुंचाया जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक बार उसका नाम पता लग जाए ताकि उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसका नाम बताइए, हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुअज्जिन, अर्तुरुल साहब इस बात को आसानी से भूलने वाले नहीं, लेकिन फिलहाल हमें और भी मसाइल दरपेश हैं। चावदार कबीले का इत्तेहाद और यकजहती खतरे में है। बाहमी इत्तेहाद को मजबूत करना वक्त की अहम जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुर्गुत साहब। हाँ, सही बात है, सही बात है। हम तुर्गुत भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं। बहादुर साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं, उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। हमें शुबा है कि ना सिर्फ चावदार बल्कि काई कबीले से भी हमारे इत्तेहाद को वो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। बहादुर साहब अपने साथ होने वाले सलूक को इतनी आसानी से फरामोश नहीं करेंगे। उन पर और उनकी अहलिया पर गलत इल्जाम लगाया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। बहादुर ने क्या किया था, कितनी जल्दी भुला दिया आपने? ये वास साहब, उसने अर्तुरुल भाई के साथ जो कुछ किया उसे फरामोश ना करें। अस्मा को जहर देने वाला अल्पमिश ही था। अल्पमिश बहादुर का सिपाही है, क्या आप नहीं जानते? अगर ये सब कुछ बहादुर साहब ने किया है तो फिर अर्तुरुल साहब ने उन्हें रिहा क्यों कर दिया? अर्तुरुल भाई ये जान चुके थे कि अल्पमिश को जहर देने वाला बहादुर नहीं था, इसलिए उसे जाने दिया। बहादुर का सिपाही इस हद तक गिर चुका था कि उसकी इस हरकत की वजह से मेरी और असलिहान खातून की जान शदीद खतरे से दोचार हो गई थी। बिल्कुल, बहुत बुरी हरकत की उसने, माफी जान वाकई। और अर्तुरुल भाई जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, वक्त आने पर वो हमें आगाह कर देंगे। फिलहाल हमें अपने कबीले की बेहतरी के बारे में सोचना है। बिल्कुल सोचना है हमें कबीले के बारे में। हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर इसी वजह से मैं चावदार कबीले की खातून के तौर पर जरूरी समझती हूँ कि सरदारी के लिए जिरगा बुलाया जाए और तुर्गुत को नए सरदार के तौर पर मुंतखब किया जाए। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा भाई कि अमीर सादतीन इस हद तक भी गिर सकता है। उस शख्स की जहनी हालत कैसी होगी जो इस हद तक जुल्म पर उतर आए कि 2 मासूम लोगों की जान ले ले। भाई, जब ख्वाहिशात गालिब आ जाए तो अक्ल इंसान का साथ छोड़ देती है। हार्दिक भाई, भाई ये किस तरह की ख्वाहिश है? कोई भी ख्वाहिश इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि सलजूक के सुल्तान को जहर देने पर आमादा करते? वो क्यों करेगा ऐसा भाई? अमीर के मनसब से दूर करके खुद को वो नया सुल्तान बनना चाहता है। भाई, क्या हमें
इन हालात के बारे में सुल्तान को फौरन आगाह नहीं कर देना चाहिए। हम बताएंगे आर्तुक भाई, बताएंगे। जैसे ही हम कारा जैसार किला फतह कर लेंगे, मैं बजाते खुद कोनिया जाकर सुल्तान को मुत्तला करूंगा। लेकिन उस वक्त तक ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए आर्तुक भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई, हालात की नजाकत को अच्छी तरह समझता हूं मैं। आर्तुक भाई, हमारी रियासत और सुल्तान शदीद खतरों में घिरे हुए हैं। अब हम पर लाजिम है कि जितनी जल्दी हो सके इन खतरात से बाहर निकाले उन्हें, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह बात सुल्तान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी आर्तुक भाई। जैसे आपका हुक्म भाई, अल्लाह हमारी रियासत और हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा फैसला किया है असलान खातून। हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। असलान खातून का फैसला बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आपको कैसे दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। क्या है असलान खातून ने? हां हम नहीं मानते उनको सरदार। बहुत खुशी हुई असलान खातून का फैसला, बिल्कुल खुशी हुई असलान खातून का फैसला सुनकर। मुअज्जिज़ीन, तुर्गुत साहब जंग में सिपाहियों के सिपा सालार थे। इन्होंने सबकी मोहब्बत और एहतराम जीता है। हमारी हिफाजत की है इन्होंने। जमींदार वैसिलियस से और उराल से भी डटकर मुकाबला किया है इन्होंने। पूरी काबिलियत है इनमें सरदार बनने की। इस तरह काई कबीले से हमारा इत्तेहाद और भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत ही मुनासिब बात है। बहुत ही मुनासिब बात है। बहादुर साहब चावदार खानदान से हैं और वो आपके चचा भी हैं। चावदार खानदान के फर्द की मौजूदगी में किसी और का सरदार बनना मुनासिब होगा? बात खानदान की नहीं है, काबिलियत की है वास साहब। हमारा इत्तेहाद खतरे में है। दुश्मन हमारी सफों में घुसकर ताकतवर हो चुका है और हमें कमजोर कर रहा है, जिसकी बिना पर चावदार कबीले को तुर्गुत जैसे बहादुर और ताकतवर सरदार की जरूरत है इस वक्त। काई कबीला और चावदार कबीला एक ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। हम ही चावदार हैं और हम ही काई हैं। ये कबीला भी मेरा अपना है। इस कबीले में अमन अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हमारा सरदार मजबूत होगा तो हमारा कबीला भी खुशहाल होगा। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल ताबनाक बनाए। आमीन आमीन आमीन। जल्द से जल्द चिरका बुलाया जाए सरदारी के लिए। इंशाल्लाह चिरका बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है। सही फैसला किया। तुमने क्या समझा है मुझे? क्या मैं उस अर्तुरुल के सिपा सालार को अपनी सरदारी हथियाने दूंगा? हाँ, राजदारी के साथ वहाँ आना है, समझे? अगर किसी को मालूम हो गया तो घोड़ा नहीं आएगा, याद रखना तुम। हाँ याद रखूंगा। अगर खुद पर इतना ही यकीन है तुम्हें तो जिरगे में आकर मुझसे सरदारी ले सकते हो। अर्तुरुल सब जानता है। वो आज रात किले का मुहासरा करेगा। हमारी तदबीर के मुताबिक मैं उसके बेटे को आपके पास ले आऊंगा।